सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल और बेल आइकन को दबाएं माई स्मार्ट ट्रिक के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, माई स्मार्ट ट्रिक में वो फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ऑटो वर्ल्ड की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों हुंडई की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, हुंडई ने अपने i30N हैचबैक से पर्दा हटा लिया है। जी हाँ दोस्तों, दमदार इंजन वाली इस कार को कहा जा रहा है हॉट। तो चलिए जानते हैं इस कार के लुक और फीचर्स के बारे में। डिजाइन के मामले में यह हुंडई की नई कारों से मिलती जुलती है। नई i30 देखने में काफी शार्प और आकर्षक है। इसे हुंडई की फ्लूटिक स्कल्पचर 2.0 डिजाइन थीम पर तैयार किया गया है। आगे की तरफ हुंडई की नई ग्रिल दी गई है। यही ग्रिल हाल ही में पेश की गई सेकेंड जनरेशन ग्रैंड i10 में भी देखी गई थी। ग्रिल के अलावा यह LED लाइट्स फीचर से लैस 3 प्रोजेक्टर सेटअप वाली हेडलाइट दी गई है। इसके फॉग लैंप नई एलेंट्रा की याद दिलाती है। नीचे की तरफ खड़ी पट्टी के रूप में डे टाइप रनिंग LED लाइट और प्रोजेक्टर फॉग लैंप दिया गया है। साइड में ध्यान दें तो नई i30 में 15, 16 और 17 इंच के अलॉय व्हील के विकल्प मिलेंगे। इसका बोनेट काफी लंबा है। कार की रूफ लाइन को स्लोपिंग रखा गया है। इसे पीछे से आकर्षक बनाने के लिए यहाँ ब्लैक स्पॉइलर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ रेप राउंड LED टेल लैंप और हाई पोजीशन वाले फॉग लैंप दिए गए हैं। इसके डैशबोर्ड का डिजाइन काफी सादा हुआ है। यहाँ टच स्क्रीन इन्फोटमेंट सिस्टम दिया गया है। इसमें 2 टच स्क्रीन इन्फोटमेंट सिस्टम का विकल्प मिलेगा। इसमें एक 5 इंच का और दूसरा 8 इंच का है। कंपनी ने इस कार में 271 BHP का दमदार इंजन लगाया है। हुंडई के नर्बर्गिंग नाम के स्पेशल इन हाउस ट्यूनिंग डिवीजन ने इस कार को बनाया है। यह कार i30 स्टैंडर्ड 5 डोर हैचबैक पर बेस्ड है और इसके हाई परफॉर्मेंस के लिए इस कार में कई कंपोनेंट भी लगाए गए हैं। कंपनी ने इस हॉट हैचबैक में 4 सिलेंडर वाला 2.0 लीटर GDI टर्बोजेट पेट्रोल इंजन दिया है। यह दमदार इंजन 271 BHP पावर और 353 NM टॉर्क जनरेट करता है। इस कार में बेहतरीन ड्राइव के लिए 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिए गए हैं। इसके साथ ही कार में रेव मैचिंग टेक्नोलॉजी दी गई है जो टर्बो लेग शुरू होते ही RPM को पीक परफॉर्मेंस पर ऑटोमेटिक सेट कर देती है। i30N में ओवर बूस्ट फीचर दिया गया है जो कुछ ही समय में पावर को 8% और एक्सेलरेशन को 7% तक बढ़ा देती है। आपको बता दें कि इस कार को भारत में लॉन्च होने की कोई आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।